अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बना रहे हैं चना चाट। सिंपल और इजी तरीका। और मैंने दो टिन चना चाट लिया, ठीक है दोस्तों, पानी मैंने अच्छे से सुखा के, आप कच्चा भी ले सकते हैं, उसको उबाल सकते हैं। तो मैंने अभी के हिसाब से ये वाला लिया है। तो ये दो टिन है, पहले है ये कोकम्बर, ग्रीन चिली, ऑनियन, टोमेटो और बॉयल आलू। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने थोड़ी ज़्यादा लिया क्योंकि स्पाइसी नहीं है। और थोड़ा स्पाइसी बढ़ाने के लिए मैंने ये लिया है चटनी, जो मैं खुद घर में बनाता हूँ, पुदीना और मिर्च। और इसके रेसिपी चलो मैं आपको जल्दी दे रही हूँ। और कुछ धनिया है मेरे पास, फ्रेश धनिया। तो चलिए, तो मैंने एक बड़ा बाउल लिया जिसमें मैंने बॉयल चना डाल दिया, ठीक है, बॉयल चना चना डाल चिक पीस डाल दिए। उसमें बॉयल पोटैटो हो गए, ऑनियन चॉप हो गया, कुकम्बर चॉप हो गया, टोमेटो चॉप हो गया और ग्रीन चिली चॉप हो गया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सही ध्यान रहे कि अच्छे से हर इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो, ताकि किसी की बाइट में चम्मच में ज़्यादा ऑनियन ना आए, ज़्यादा कैप्सिकम ना आए, ज़्यादा ग्रीन चिली ना आए, ठीक है। तो अभी मैं ये लूँगा चटनी थोड़ा सा, ठीक है। मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, मेरे दोस्तों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। तो मैंने एक टीस्पून के बराबर ले लिया है। और इसके बाद फिर हम इसको फिर से मिक्स मारेंगे। है हमारे पास चाट मसाला, इसमें 2 टेबल स्पून, फिर 1 टीस्पून के बराबर मैंने अपना स्पाइसी मसाला डाला हुआ है, और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने सॉल्ट डाला हुआ है। अगर आपको सॉल्ट कम ज़्यादा लगे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसमें डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स मार देंगे। देख लीजिए इसका शेप और शेप कितना प्यारा आया है। और हमने फ्रेश कोरिएंडर भी डाल दिया ताकि स्मेल अच्छी सी स्मेल आए। तो ये हो गया रेडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जितनी भी नए आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yeah.